हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कि एसएससी है, सीएचएसएल ने रिक्रूटमेंट निकाली है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। तो उसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 5 मार्च 2019 से, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की रजिस्ट्रेशन की वो है आपकी 5 अप्रैल 2019 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट की वो आपकी 7 अप्रैल 2019 है, और ऑफलाइन पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 9 अप्रैल 2019 है, और जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पेपर होगा वो उसकी 1 से लेकर 26 जुलाई 2019 के बीच में होंगे, और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो आपका 29 सितंबर 2019 को होगा। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ीस का सवाल है तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, वहीं एससी एसटी पीएच और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। 0 एप्लीकेशन फीस है। इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता आपकी +2 आपने 12वीं पास की हुई होनी चाहिए, और उसके लिए एज लिमिट है वो 18 से 27 है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग की जाएगी, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको उसमें दिया जाएगा। जहाँ तक वैकेंसी डिटेल का सवाल है तो अभी ये न्यूज़ आई नहीं है कितनी वैकेंसी है, फिर भी आपका एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए निकली है, और डाटा ऑपरेटर के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं इनके लिए जो सैलरी दी गई है, सैलरी का क्या प्रावधान है उसके बारे में अगर बात करें तो जो एलडीसी और जूनियर एलडीसी और जीएसए है उनका पे बैंड 1 के अकॉर्डिंग 5200 से लेकर 20200 और ग्रेड पे 1900 प्री रिवाइज्ड है। वहीं जो पोस्टल असिस्टेंट पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए के उनका भी सेम पे बैंड है, लेकिन इनका ग्रेड पे 2400 प्री रिवाइज्ड है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ इनका पे बैंड 5200 से 20000 और ग्रेड पे 2400 प्री रिवाइज्ड, एंड और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पेमेंट 1 5200 से 20200 ग्रेड पे ₹2400 इनका भी प्री रिवाइज्ड है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की रियायत है, ओबीसी के लिए 3 साल की, और जो जनरल और फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको 10 साल की, और फिजिकल हैंडीकैप विद ओबीसी 13 साल, और एससी एसटी के जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 15 साल की, और एक्सर्स में उनको 3 साल की रियायत दी गई है। एज लिमिट 18 से 27 अगस्त के अकॉर्डिंग की होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा CVT 1 होगा उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम की डेट 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक दी गई है। सब्जेक्ट इसमें आपका बेसिक नॉलेज इंग्लिश का आएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन में 60 मिनट का होगा, और 80 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स जो आपके फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको 80 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टीयर 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और जो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे। उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1/2 में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, मतलब आप 2 गलत करते हो तो 1 सही के नंबर्स में काट दिए जाएंगे। तो CVT 1 Tier 1 के बाद आपका Tier 2 का एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, उसमें आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा जो आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बस बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।